आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। सावन मास के पहला सोमवार के दिन चतरा इटखोरी भद्रकाली मंदिर में पूरे मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। सरकार के द्वारा लॉकडाउन में सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। श्रद्धालु सरकार के निर्देश का पालन करते हुए वहां के पुजारी की सहस्त्र शिवलिंग का जल अभिषेक किया और श्रद्धालुगण बाघड़ से की जल अभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से यह कामना की कि कोविड-19 से पूरे देशवासियों को रक्षा करें। वहीं वहां के पुजारी दीपक गिरी ने कहा कि हम सब भगवान भोलेनाथ जी को पूरे विधि विधान के साथ पहला सोमवार के दिन जल अभिषेक किया। इस लॉकडाउन में सभी तीर्थ स्थल बंद होने के कारण श्रद्धालुओं में निराशा देखने को मिली। फिर भी कुछ श्रद्धालुओं ने कहा कि हम लोग निराश हैं पर माता को निराश नहीं रखेंगे। निजी खर्च से सावन के शुभ अवसर पर पूरे मंदिर परिसर में सभी मंदिर और गेट को सुंदर ढंग से नाई समाज के जिला अध्यक्ष संजय ठाकुर के द्वारा सजवाया गया। मुकेश कुमार के साथ आनंद कुमार की रिपोर्ट।